हेलो दोस्तों, आइए हम लोग आज साइंस बुक रिमाइंडर साइंस बुक का सीरीज वीडियो 2 करने वाले हैं। और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशि एवं उनके मात्रक के बारे में। तो मूल मात्रक की संख्या एसआई पद्धति में टोटल 7 है। उसके आगे है कि लंबाई का मात्रक क्या होता है। तो लंबाई को मीटर होता है, लंबाई का मात्रक, द्रव्यमान का केजी, और समय का सेकेंड होता है, ताप का केल्विन होता है, ताप का एसआई मात्रक केल्विन होगा, विद्युत धारा को एम्पेयर से एम्पेयर होता है विद्युत धारा का, ठीक है दोस्तों। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक केंडला होता है, तीव्रता तीव्रता केंडला, ठीक है दोस्तों। और पदार्थ का परिणाम का मात्रक मोल होता है, पदार्थ का परिणाम का मात्रक मोल होता है। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है और घन कोण का मात्रक स्टेडियन होता है, ठीक है दोस्तों। फिर हम लोग बात करें तापमान, तो तापमान यानी टेम्परेचर का मात्रक केल्विन होता है। फिर हम लोग बात करें नेक्स्ट आवृत्ति की, तो आवृत्ति का हर्ट्ज होता है, ठीक है दोस्तों। फिर इसके आगे हम लोग बात करें प्रकाश एवं विद्युत चुम्बकीय तरंगों की मात्रक, तो इसका आर्मस्ट्रांग होता है, जिसको ए से डिनोट करते हैं। फिर है द्रव पदार्थ के आयतन को मापने की इकाई, ये इसका बैरल होता है। समुद्री दूरी का मात्रक नॉटिकल मील होता है, समुद्री दूरी का मात्रक नॉटिकल मील। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्यूरी होता है। उसके आगे हम लोग बात करें तो विद्युत धारिता, और विद्युत धारिता का मात्रक फेराडे होता है। उसके नेक्स्ट में है प्रदीपन तीव्रता का मात्रक लक्स या ल्यूमेन मीटर स्क्वायर होता है। उसके आगे है चुम्बकीय प्रेरण का मात्रक गॉस होता है। उसके नेक्स्ट में चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुम्बकीय क्षेत्र की तीव्रता टेस्ला या न्यूटन मीटर होता है, ठीक है दोस्तों। उसके आगे है विद्युत विभवांतर, जिसका कि वोल्ट होता है, विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट। उसके नेक्स्ट में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का मात्र मात्रक तो वेवर मीटर स्क्वायर है, ठीक है दोस्तों। फिर है वायुमंडलीय दाब का मात्रक वार है। फिर है सॉरी दोस्तों वायुमंडलीय दाब का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है दोस्तों, ये होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का मात्रक होगा वाट, ठीक है, और विद्युत विभवांतर का वोल्ट होता है, और दाब का हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है ध्वनि तीव्रता का मात्रक डेसिबल हो जाएगा। उसके नेक्स्ट है लेंस की तीव्रता, तो लेंस की तीव्रता का मात्रक डाइओप्टर होता है, हम सभी जानते हैं। उसके आगे है विद्युत कूलम, तो विद्युत कूलम का मात्रक होता है कूलम। और उसके आगे है नेक्स्ट है लंबाई की सबसे छोटी इकाई, तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई फर्मी मीटर होता है। उसके नेक्स्ट में लंबाई की सबसे बड़ी इकाई तो पार्सेक होता है। उसके नेक्स्ट में लंबाई की प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष खगोलीय पिंडों की दूरी का मात्रक है। उसके आगे बल का एसआई मात्रक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में आते रहते हैं, रेलवे का तो फेवरेट है। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, सीजियस मात्रक डाइन होता है, ठीक है दोस्तों। तो न्यूटन के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। एक प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश किरण द्वारा एक प्रकाश वर्ष में तय गई दूरी को ही एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका है कोणीय संवेग की इकाई, तो कोणीय संवेग की इकाई जूल पर सेकेंड होता है इसका एसआई यूनिट। विभवांतर की इकाई, तो विभवांतर की इकाई जूल पर कूलम होता है। उसके नेक्स्ट में एसआई मात्रक एवं बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान, तो इसका 3.36 × 10⁵ जूल होता है, ठीक है दोस्तों। 3.36 × 10⁵ जूल होता है। फिर है नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। उसके नेक्स्ट में हम लोग बात करें तो एक सेल की धारिता मापी जाती है एम्पेयर घंटा में। बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। चुंबकीय क्षेत्र प्रवणता का मेट्रिक यूनिट होता है आर्स टेड। उसके आगे है दृढ़ता गुणांक का मात्रक, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। उसके आगे है कार्य का मात्रक जूल होता है, कार्य का मात्रक वाट सेकंड भी बोल सकते हैं, न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके आगे है हीरे के संबंध में कैरेट का क्या होता है, तो हीरे के संबंध में हीरे के भार का मात्रक होता है, ठीक है। उसके नेक्स्ट में है एम्पेयर सेकेंड मात्रक है आवेश की मात्रा का। विद्युत तीव्रता का मात्रक है न्यूटन पर कूलम।
प्रेशर की गति किसका मात्रक किस मात्रक में मापी जाती है, प्रेशर का गति किस मात्रक में मापी जाती है, तो मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके नेक्स्ट में प्रदीप्त घनत्व का मात्रक, तो इसका लक्स होता है। उसके आगे फ्लक्स घनत्व का मात्रक तो टेस्ला, ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन, गैस नेतांक का ऐसा मात्रक जूल के किलो पर मोल। उसके नेक्स्ट में है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक तो वेबर मीटर स्क्वायर। उसके नेक्स्ट में कोणीय त्वरण का ऐसा मात्रक तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। उसके नेक्स्ट में विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति किग्रा प्रति केल्विन। ठीक है दोस्तों, फिर एक कार्य का सीजीएस मात्रक तो अर्घ होता है। फिर उसके आगे बेस का वेग का एसआई मात्रक तो मीटर पर सेकेंड होता है। चाल का एसआई मात्रक भी मीटर पर सेकेंड होता है। त्वरण का एसआई मात्रक उसके नेक्स्ट में है, तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, फिर है संवेग का एसआई मात्रक, तो संवेग का हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। फिर है आवेग का एसआई मात्रक, तो आवेग होता है न्यूटन पर सेकेंड न्यूटन सेकेंड। उसके बाद है ऊर्जा का एसआई मात्रक, तो ऊर्जा का तो जूल होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। अश्व शक्ति का एसआई मात्रक भी वाट ही होता है। और अश्व मतलब अश्व शक्ति किसका मात्रक है, तो ये शक्ति का मात्रक है। ठीक है दोस्तों, उसके नेक्स्ट में है गुरुत्वाकर्षण बड़ी जी नेतांग, गुरुत्वाकर्षण बड़ी जी का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण छोटी जी का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। घनत्व का एसआई मात्रक केजी मीटर पर स्क्वायर होता है। पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन का एसआई मात्रक न्यूटन न्यूटन मीटर या तो जूल पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर या तो जूल पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, फिर है श्यानता, श्यानता का गुणांक का एसआई मात्रक होता है डेकाप वाइज या तो फाइनली पीआई। ठीक है, या तो पास्कल पर पास्कल सेकेंड भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। उसके नेक्स्ट में विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक तो ओम प्रति मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो से यानी इस टॉपिक से जो भी यूनिट होता है हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। एक क्वेश्चन हर एवरी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप इसको एक बार समझ लेंगे, याद कर लेंगे, तो एवरी एग्ज़ाम में आप एक क्वेश्चन सही कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।